तो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेके आ चुके हैं सुपर स्मार्ट माइनिंग एप्लीकेशन। तो गाइस, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे फोन नंबर को एंटर करना है, इसके बाद इमेज को एंटर करना है, इसके बाद गाइस SMS को एंटर करना है, इसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे OTP ले लेना है। OTP लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद इन्विटेशन कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो इंटर कोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, तो मैं लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंड यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल कर लिया है। सक्सेसफुल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डेयर स्मार्ट, यहाँ पे देख सकते हो सुपर स्मार्ट माइनिंग मेंबर्स वी प्लीज़, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, गॉट इट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो 1000 rupees है यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद गाइज आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज आप लोग को अर्निंग कैसे करनी है, यहाँ पे डेली के डेली आप लोग 2 rupees की अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को गाइज रिचार्ज का बटन देखने को मिलेगा, यहाँ से रिचार्ज का बटन कर सकते हो, यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, यहाँ पे अबाउट एप्लीकेशन एंड यहाँ पे आप लोग को इनवाइट कोड का मिल जाएगा। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स करके आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। तो यहाँ पे 3 friends को इनवाइट करना है और आप लोग की अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो गाइज आप लोग को कॉपी लिंक पर क्लिक करना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। दोस्तों को जितना ज़्यादा इनवाइट करोगे आप लोग की अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए अभी फ्री वाला मैं आप लोग को यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग को करना है। काफ़ी सिंपल है और आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करके भी कर सकते हो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री माइनिंग पर क्लिक करना है। फ्री माइनिंग पर हम क्लिक करते हैं। फ्री माइनिंग पर क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे फिर से ओके एंड देन हमें यहाँ पे ऐसी तरीके से 5 times करना है। 5 times करने के लिए हम यहाँ पे करते जाते हैं ओके ओके एंड देन ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस जितने भी हमने माइनिंग की है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही है। सो गाइस, इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ से हम लोग जो हमारी अर्निंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा टोटल एसेट यहाँ पे 1000 rupees है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को 500 rupees का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1000 rupees का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 3000 का। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे टीम के सेक्शन में जाकर दिखा दूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग रेफर करते हो अपने दोस्त को तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट लेवल पर 12% की कमीशन होगी। यहाँ पे थर्ड लेवल पर आप लोगों की यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग के टोल लेवल पर यहाँ पे इतनी होगी एंड इस तरीके से यहाँ पे इतनी होगी। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग माइनिंग पर क्लिक करते हैं। माइनिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। इसके बाद कस्टमर सर्विस मिल जाती है। इसके बाद हम लोग मेंबर्स पर क्लिक करेंगे। मेंबर्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग इनवाइट फ्रेंड्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को रिटर्न पोर्टल देखने को मिलता है, पूल यहाँ पे देख सकते हो। बैंक कार्ड यहाँ पे हमें सबसे पहले बाइंड करना होगा। बैंक कार्ड यहाँ पे हम लोग बाइंड कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमने बैंक डिटेल सेव कर दी है। यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हमारा बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हम लोग फंडिंग यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिचार्ज रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉल रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग रिचार्ज के बटन पर क्लिक करते हैं। रिचार्ज के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से हम लोग कितना यहाँ पे हम लोग करेंगे 500 rupees का रिचार्ज या फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 200-300। ठीक है, तो 300-500 का रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे रिचार्ज के बटन पर क्लिक करना है। रिचार्ज के बटन पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग फोन पे किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस पेमेंट करना काफ़ी ईजी है। पेमेंट करना काफ़ी ईजी है, पेमेंट आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को ये कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे बाय कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीकली ले सकते हो, मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी मेंबरशिप आप लोग ले सकते हो जिसमें आप लोग की 3840 की अर्निंग होगी। इसमें आप लोगों को मंथली इनकम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 11520 rupees होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये वाला परचेस करते हो तो यहाँ पे आप लोग की 1920 rupees की अर्निंग होगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग विड्रॉल कैसे करेंगे, तो विड्रॉल करने के लिए हमें सिंपली विड्रॉल के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को बैंक कार्ड यहाँ पे बाइंड करा हुआ बैंक कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अमाउंट को एंटर करना है। को एंटर करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग अपना जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। सो गाइस आप लोग इस तरीके से विड्रॉल वगैरह करके यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। विड्रॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग माइनिंग करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो लेवल्स अप करने पर भी आप लोग को अच्छी खासी अर्निंग होगी और यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स करके भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। सो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।